Hi dear students, good morning. How are you? All the students and viewers are welcome back to my YouTube channel LN Sir. My dear friends, I'm here with you once again with the other part of simple sentences in synthesis. My dear students, प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने synthesis का second part लेकर के आया हूँ, simple वाला. तो the formation of simple sentences. How to form simple sentences without conjunction. Dear students, आज हम आपको इस second part में simple का जो second part है ये synthesis का ही एक भाग है. इसमें हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से simple sentence को बिना conjunction की सहायता से passive के रूप में और इन्फिनेटिव के रूप में एडजेक्टिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस संयुक्त वाक्य कंबाइंड वाक्य बनाए जाते हैं. तो बच्चों, एक बार फिर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए. उसके बाद में हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करिए. आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो, तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश से संबंधित तो कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसको हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे. बच्चों, आइए अब हम चलते हैं आपके सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंसेस के सेकेंड पार्ट पर. तो प्यारे बच्चों, इसका एक थर्ड पार्ट और भी है. आज हम आपको सेकंड पार्ट में बस तीन ही बातें बताने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव की सहायता से, पैसिव के रूप में, और इसके बाद इन्फिनेटिव की सहायता से. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद सिंथेसिस द चैप्टर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पार्ट टू. डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में भी हम आपको बताएंगे हाउ टू फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस विदाउट हेल्प ऑफ कंजक्शन. यस, तो प्यारे बच्चों, सिंथेसिस के इस सिंपल सेंटेंसेस में पार्ट सेकंड में सबसे पहले हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव के द्वारा किस प्रकार से हम सिंपल बनाते हैं. देखिए, अब हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. सेपरेट सेंटेंस, ये सेपरेट सेंटेंस हैं जिनके अलग अलग वाक्य. पहला वाक्य, आई सॉ आ स्नेक इन द गार्डन, मैंने बगीचे में एक सांप देखा. दूसरा सेपरेट सेंटेंस अलग वाक्य है, इट वॉज ब्लैक, यह काला था. तो ध्यान रखिए, ब्लैक यहां पर नोटेबल पॉइंट इज दैट कि ब्लैक एक एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव है जो कि अक्सर सेकंड ही सेंटेंस में ही आता है, सेकंड सेंटेंस में आता है. आपको क्या काम करना है, यहां नाउन को पिक आउट करना है. ये नाउन है, आई सॉ स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, तो सांप एक नाउन हो गया क्योंकि एक नाम है. हमको कंबाइंड सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल इतना करना है कि ये जो एडजेक्टिव है इसको, इस एडजेक्टिव को और सीधे नाउन से पहले ला करके रख दो. नाउन से पहले ला करके रख देंगे तो हो जाता है आई सॉ अ ब्लैक स्नेक इन द गार्डन, इट वॉज, ये हट जाता है. इस सेकंड सेंटेंस में से हमने आपको केवल एडजेक्टिव के बारे में बताया कि जो कि अक्सर आता है, एडजेक्टिव की पहचान यही होती है कि इजारे वॉज वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है. तो ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को हम यहां ब्लैक को स्नेक यानी कि नाउन से पहले ला देंगे, ये आपका नाउन हो गया. तो बच्चों, आपका सेम जो कंबाइंड सेंटेंस है बहुत ही आसानी से सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया. आई सॉ अ ब्लैक स्नेक इन द गार्डन. जी हाँ बच्चों, ये आपका बहुत आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया.
देखो अगला सेंटेंस है, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास कल आया। दूसरा सेपरेट सेंटेंस है, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। अब आपने केवल ये पता लगाना है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। ही वॉज ब्लाइंड, देखो ही ये प्रोनाउन है, वॉज वर्ब है और ब्लाइंड एडजेक्टिव है। मैंने बताया कि अधिकतर मोस्टली इस आयरन वॉज वर्ब के बाद में हमारा एडजेक्टिव आता है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया आपका ब्लाइंड। अब बात यह है कि इस पहले सेंटेंस में अमेन केम टू मी यस्टरडे में हमको नाउन पिक आउट करना है, विच नाउन इज देयर इन दिस सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अमेन, एक आदमी, यही तो नाउन है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब से पहले आया, ये वर्ब हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, और यस्टरडे ये एडवर्ब हो गई। तो अब नाउन जो होता है वो एक नाम होता है, तो यस्टरडे कोई नाम नहीं है, मी कोई नाम नहीं है, टू कोई नाम नहीं है, केम कोई नाम नहीं है, अ मैन, एक आदमी, ये नाम है, नाम है तो नाउन है, और नाउन है तो नाम है। दैट्स वेरी क्लियर। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि अ मैन, अब इससे पहले हमको ये एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, ये लेकर के आएंगे यहां और ए से पहले एडजेक्टिव को लगा देंगे। हमारे सिंपल सेंटेंस वेरी इजी, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो ए आर्टिकल है हमको केवल नाउन ही चुनना है, तो इसलिए आर्टिकल को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। इस ब्लाइंड को आप एडजेक्टिव को यहां, ये नाउन है, इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो आ ब्लाइंड, ये ब्लाइंड एडजेक्टिव हो गया, आ ब्लाइंड मैन, आ ब्लाइंड मैन केम टू मी यस्टरडे, आपका सेंटेंस सिंपल बन गया। जी हाँ बच्चों, आपका सेंटेंस सिंपल बन गया। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात एक ये है कि यहां पर ये जो स्नेक था, ये स्नेक यहां ऑब्जेक्ट था। भाई कैसे पता चला ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये वर्ब है, सो वर्ब है, तो वर्ब के बाद में जो आएगा नाउन वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब से पहले जो नाउन आएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये यहां पर वर्ब है केम, तो यहां वर्ब से पहले अमेन आया सब्जेक्ट, और यहां सो वर्ब है, इसके बाद में नाउन आया ये ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है यहां। तो आपको क्या काम करना है कि ये जो एडजेक्टिव है कहीं भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखने की है कि ये नाउन से पहले आएगा, चाहे वो नाउन ऑब्जेक्ट हो या फिर वो नाउन अमेन सब्जेक्ट हो। तो जैसे ये अमेन सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है, मैन से पहले, आ से पहले नहीं लगाएंगे, ए से पहले नहीं लगाते हैं। आप ब्लाइंड मैन केम टू मी यस्टरडे, तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस एडजेक्टिव के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को बनाना आप अवश्य सीखे होंगे। अच्छा, अब हम अगला आपको नेक्स्ट पार्ट बताते हैं इसी का, सेकंड। एडजेक्टिव के बाद में बारी आती है इन्फिनिटिव के द्वारा, इन्फिनिटिव। देखिए ये है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, हाउ टू फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस विद द इन्फिनिटिव। यस, इन्फिनिटिव के द्वारा अब हम आपको बताते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इन्फिनिटिव। तो शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन टू इन्फिनिटिव। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू का हम प्रयोग करते हैं तो वो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है, जैसे टू स्पीक, टू लर्न, टू डू एटसेट्रा। तो ये इस प्रकार से आप इन्फिनिटिव के बारे में सीख चुके होंगे कि टू स्पीक, टू लर्न, टू डू, इस प्रकार से हम इन्फिनिटिव वर्ब बनाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए
और उससे पहले टू लगा हुआ होना चाहिए। यदि वर्ब में आईएनजी हो जैसे स्पीकिंग, लर्निंग, डूइंग और उससे पहले टू आ रही हो तो वो इन्फिनिटिव नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ जो सर्टेन कंडीशंस होती हैं उनमें आईएनजी भी आ जाती है, जीरंड भी आ जाती है टू के बाद में, जैसे कि आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। इस प्रकार से बहुत सारी वर्ब हैं, हम आपको बताते हैं, उनको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रहे, आपको ये ध्यान रखना है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, तो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगी। अब इसी के द्वारा हमको सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने हैं। देखो, सेंटेंस आपको दिया है हमने, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैं अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर सकता हूं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि दूसरे सेंटेंस में ध्यान देंगे, काम बाद में हो रहा है, पहले सेंटेंस में काम पहले हो रहा है। तो इसमें हमको क्या काम करना है कि जो कार्य पहले होता है उस सेंटेंस को हम लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां इसका आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। अब यहां ये जो वर्ब है, ये वर्ब है आपकी, इसको इन्फिनिटिव वर्ब बना देंगे। इन्फिनिटिव वर्ब बनाने के लिए आपको पता है कि हमको क्या जोड़ना पड़ता है, टू, आई हैव नो बुक टू स्टडी प्रॉपरली, प्रॉपरली यानी कि उचित रूप से, यानी कि अच्छी तरह से। प्रॉपरली, प्रॉपरली की जगह वेल भी लगा सकते हैं, ये हमने वेल लगा दिया, वेल इज मोर सुटेबल। तो आई हैव नो बुक टू स्टडी वेल, मेरे पास अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कोई किताब नहीं है। देखो, ये जो टू स्टडी है ये अब आपकी हो गई इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब। इसके द्वारा अब देखिए, हमने आपको सिंपल सेंटेंस बता दिया। तो देखिए, इसका नियम क्या है, इसका एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं कि पहला वाक्य, पहला वाक्य, पहले होने वाला वाक्य, यानी पहले जो कार्य पहले होता है, तो पहले कार्य होने वाला वाक्य। तो पहला कार्य क्या हो रहा है, आई हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है, तभी तो हम अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते हैं। ये दूसरा हो रहा है, पहले कार्य होने वाला वाक्य प्लस दूसरे वाक्य की, दूसरे वाक्य की इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब आपको बनानी पड़ेगी, और प्लस ऑब्जेक्ट या जो विशेष होता है वो आएगा। ये आपका बन गया फॉर्मूला, यानी कि टेबल, आप इसको मानिए। तो ये ध्यान से देखिए, दूसरे वाक्य की इन्फिनिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले के आधार पर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड हैज टू डॉटर्स, मेरे मित्र के दो बेटियां हैं। ही हैज टू गेट देम मैरिड, उसे उनकी शादी करवानी है, यानी अर्थात उसे उनकी शादी करनी है। तो अब यहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी इन्फिनिटिव वर्ब दी हुई होती है टू के बाद, तो यहां पर टू गेट ये ऑलरेडी इन्फिनिटिव वर्ब है, पहले से ही हो गई, क्योंकि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है टू गेट, तो ये इन्फिनिटिव वर्ब हो गई। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, ये कार्य पहले हो रहा है क्योंकि पहले उसके पास पुत्री है, तभी तो उसको शादी करनी है उनकी। तो इस सेंटेंस को पूरा जो कि तो लिख लेंगे, माई फ्रेंड हैज टू डॉटर्स, मेरे मित्र के पास, यानी मेरे मित्र की दो पुत्रियां हैं। अब टू गेट ये आपकी इन्फिनिटिव हो गई, टू गेट मैरिड, मैरिड ये हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द नोटेबल पॉइंट हियर। तो सबसे पहले टू गेट, टू गेट के बाद में यहां से देम गायब है ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर टू गेट, बिकॉज देम इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस सेंटेंस, माई फ्रेंड हैज टू डॉटर्स,
देम इज यूज्ड फॉर टू डॉटर्स, यानी देम का प्रयोग दो पुत्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। अब दो पुत्रियों की एक सेंटेंस में जो चर्चा हो गई तो दोबारा उनकी चर्चा करना आवश्यक नहीं समझा जाता है, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। तो हमने आपको शुरुआत में ये बता दिया था, एट द इनिशियल स्टेज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दैट वी हैव मेंशनड। इफ वी हैव मेंशनड एनी नाउन और प्रोनाउन देन वी डोंट नीड टू प्लेस दैट वर्ड अगेन, तो उस शब्द को दोबारा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती। माई फ्रेंड हैज टू डॉटर्स, मेरे मित्र के पास दो पुत्रियां हैं, टू गेट मैरिड, यानी शादी करवाने के लिए। तो मेरे मित्र की शादी करने के लिए दो पुत्रियां हैं, यहां से हमने देम को हटा दिया, हमारा सेंटेंस क्या हो गया सिंपल। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको सिंपल का ये अब सेकेंड नियम भी बताया जो कि इन्फिनेटिव के द्वारा होता है। इन्फिनेटिव आपकी समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव तो इन्फिनेटिव को समझने के लिए हम आपको और विस्तार से बताएंगे, अगर आप हमको वीडियो में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इन्फिनेटिव के बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप इस सेंटेंस को इन्फिनेटिव वाले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट बचा है जो अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएं और कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस के द्वारा ही सिंपल सेंटेंसेस बनाया जाएगा और पैसिव वॉइस ही हमारे सेपरेटिव वाक्य में दिए गए हैं। देखो पैसिव वॉइस की पहचान होती है कि बी के रूप, बी मींस होता है होना, तो इसके रूप होते हैं इज आर एम, ये प्रेजेंट के होते हैं, वॉज वर ये पास्ट के होते हैं और बिलवी सेल्वी ये होते हैं फ्यूचर के। तो यहां पर हम आपको बताते हैं कि इज आर एम वॉज वर हैव बीन हैज बीन हैड बीन, इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जी हाँ बच्चों, इज आर एम वॉज वर हैज हैव बीन हैड बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आप समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो हम इसको किस प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस में कंबाइंड करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो देखो ये फर्स्ट सेंटेंस है कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। द सेकेंड वन इज दैट आई एम गोइंग होम, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मैं घर जा रहा हूं। तो मैं घर जा रहा हूं, नोटल पॉइंट इज दैट होम से पहले कभी भी हम टू नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। अगर होम के साथ में कोई पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा हुआ आता है तो हम टू लगा देते हैं, वरना होम से पहले टू नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि होम एक एडवर्ब है और होम से पहले यानी कि एडवर्ब से पहले कभी भी टू आती नहीं है। तो आई एम गोइंग टू हम नहीं लगाएंगे, आई एम गोइंग होम। यस, अगर होम की जगह हाउस होता तो टू लगा देते, आई एम गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। तो अब हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखो इसमें इसका नियम देखो, बी, बी का मतलब इज आर एम वॉज वर, अगर इज आर एम वॉज वर नहीं है तो हैज हैव हैड बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां कोई है कि नहीं है। देखो पहले वाक्य में आई हैव कंप्लीटेड हैव तो है लेकिन बीन नहीं है, बीन नहीं है तो पैसिव नहीं है। इफ देर इज नो बीन विद हैज हैव हैड देर इज नो पैसिव, पैसिव नहीं है तो ये एक्टिव है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले वाक्यों में बता दिया था कि जब भी हमारा कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल से हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया था कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो उसमें हम हैविंग कंप्लीटेड यानी कि हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा कर लेते हैं, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद कॉमा लगा दीजिए, नहीं आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम हो गया। अब बात यह है कि आप कहोगे आपने पैसिव के बारे में कहा था, लेकिन आपने तो ये पहला ही उदाहरण दे दिया जो आपने परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा बताया था शुरुआत में,
जो तीन पार्टिसिपल के द्वारा बताए थे उनमें परफेक्ट पार्टिसिपल का ये नियम था उससे आपने कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि वी हैव टू क्लियर योर डाउट्स। आपको डाउट्स ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हैं तो आप ये क्लियर करना कि यहाँ हैव के बाद में बीन नहीं लगा हुआ है। अब हम आपको एक पैसिव का उदाहरण देंगे जिसमें बीन लगा हुआ आएगा और इज आर एम वॉज वर्ब का भी एग्जांपल देंगे, तो आप उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करके, तुलना करके। जरा पहचानिए, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, मैं उस पद के लिए चयनित कर लिया गया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। अब ध्यान दीजिए, हैव के बाद में यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, लेकिन हैव के बाद में यहां बीन है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट मींस दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस है सेंटेंस। तो यहां पर हम हैविंग कंप्लीटेड यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल से अगर करेंगे तुम्हारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, हैविंग में जहां ये जो हैविंग है केवल इसमें बीन जोड़ करके बाकी का ज्यों की त्यों कर दीजिए। हैविंग हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। हो गया, आप बताइए, डू फाइंड एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम इज देयर। हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट यानी के उस पद के लिए चयनित होने की वजह से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। तो यहां पर ये हमने केवल एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड कर दिया, बीन, जो कि ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि दिस सेंटेंस इज अ पैसिव वॉइस, ये हमको बताता है। तो इसलिए ये आपकी पैसिव की पहचान हुई। और उसका अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है कि यू आर स्किल्ड इन कुकिंग, तुम खाना पकाने में माहिर हो, दक्ष हो, होशियार हो। यू कैन कुक इडली टू, तुम इडली भी पका सकते हो। तो तुम इडली भी पका सकते हो, ध्यान दीजिए यहां पर स्किल्ड, स्किल की थर्ड फॉर्म है, ईडी से हमको पता चला सेकंड और थर्ड फॉर्म मानी जाती है ईडी से, तो ये थर्ड फॉर्म है, यहां ये इज आर एम आ गया। ये देखिए इज आर एम या वॉज वर्ब भी आ सकता है। तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट सेम है, यदि सब्जेक्ट अलग अलग होता तो हमको अलग अलग सब्जेक्ट लगाने पड़ते, जैसे कि यहां पर हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, तो यहां आई सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट भी आई है, इसीलिए हम दोनों का सब्जेक्ट हमने आई ही लगाया। अगर इस आई को अकेले को हम यहां पर लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है, यदि यहां पर कोई दूसरा अदर सब्जेक्ट होता तो हमको वो भी लगाना पड़ता, जैसे सी हैड बीन सेलेक्टेड, तो शी को हम यहां अवश्य लिखते, सी हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट कोमा आई एम वेरी हैप्पी, अर्थात उसके उस पद के चयनित होने के कारण मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। ध्यान रहे जब भी सब्जेक्ट अलग अलग आएंगे तो दोनों ही सब्जेक्ट हमको लगाने पड़ेंगे। यस, यू आर स्किल्ड इन कुकिंग, तो अब देखिए इसी को इस प्रकार करते हैं कि ये हमारा पैसे हमको पता चल गया, तो क्या करेंगे, हैविंग बीन स्किल्ड क्या जोड़ देंगे, स्किल्ड, हैविंग बीन स्किल्ड इन कुकिंग कॉमा लगा के यू कैन कुक इडली टू, तुम इडली भी पका सकते हो। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया यहां पर, तो आप देखोगे कि ये सिंपल सेंटेंस बड़ी ही आसानी से बन गया है। यहां सिंपल सेंटेंस में हमको हैविंग के साथ में बीन का प्रयोग करना पड़ा है। टेबल में हम लिख सकते हैं यहां पर फॉर्मूले के रूप में कि हैविंग बीन प्लस ये हैविंग बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है या जो शेष आता है अदर वो, और प्लस उसके बाद में दूसरा वाक्य,
जो कि त्यों। दूसरा बार इस प्रकार से हमारा पैसिव बन जाएगा। हाँ, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि दूसरा वाक्य हमको जो कि तो लिखना है, लेकिन अगर दूसरे वाक्य वाला सब्जेक्ट यहां नहीं है, कोई अन्य सब्जेक्ट है, तो हैविंग से पहले हमको वो सब्जेक्ट यहां लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, आप हमको कमेंट के जरिए बताएं। और ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में, मेरे समझाने का कोई तरीका आपको डिफरेंट लगता है, या कोई कॉम्प्लिकेशन या किसी प्रकार का कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से देंगे, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स और नए स्टूडेंट्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं कॉम्पिटिशन लेवल की, छोटे बच्चों की भी, और जो ट्वेल्थ के या इंटरमीडिएट क्लासेस के हायर और सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड या अदर बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के ऑल्सो, तो उन सबके वीडियोज हम आपके लिए लाते जाएंगे। बस हमको आवश्यकता है आपके कमेंट्स की, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। डियर बच्चों, बाय, टेक केयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो।